ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं यू नो व्हेन यू मीट देम, यू से ओ माय गॉड और मेरे ख्याल से ऐसे ही उन्होंने किया है द लास्ट वी सो मेनी इयर्स। एज ए स्टूडेंट ऑफ द क्राफ्ट ऑलवेज एज एन ऑडियंस जब हम लोग फिल्म देखने आते हैं हम तो थोड़ा सा सरप्राइज होना चाहते हैं एंटरटेन येस लेकिन एंटरटेनमेंट के बीच में अगर आप तो थोड़ा सा सप्राइज हो जाए देन यू गेट वेरी एक्साइटेड क्योंकि उसके बाद वो डिस्कशन जो होती है या तो इंटरवल में अपने दोस्तों के साथ में या आजू बाजू लोगों के साथ में एंड आफ्टर द रोलिंग क्रेडिट्स

So, have you always, from childhood only when you made stories or narrated stories, had this element in mind where the audience should be involved in my stuff? See, before I even got interested in writing and sort of, uh, I used to read a lot, you know. Yeah. And I used to read, like, right from, you take, Inid Blyton or Agatha Christie or James Hadley Chase or Alistair MacLean, sab Joe. in school you read all that, Hardy Boys and yeah. all that. then as you graduate to you know little older you get you know, there is much more you read you discover many more books and you know. so and along with books because in those days for us you know I was living in Pune I was brought up in Pune yeah. तो so, it's only books and movies you know and there are little mm -hmm. circulating libraries and movies तो bahut sare theaters the तो जितना मौका मिले मैं देख सकता था I mean I used to watch because I was really in, sucked into that world you know writing के मामले में वो लोगों के अंदर एक कीड़ा कहते होना चाहिए और आपकी फिल्मों में ऐसी लगता है मैं कई बार तो आपके अंदर भी वो कीड़ा रहता है ऑलवेज कि मैं कुछ ऐसे एक गुगली मार दूँ ताकि यू नो फिल्म फिल्में अनएक्सपेक्टेड भी रहनी चाहिए नहीं वो तो मतलब क्योंकि वो ज्वेलरी ऐसा है कि उसमें जितना अनएक्सपेक्टेड होगा उतना उसका फायदा है hmm. कभी कभी होता है कि इट्स अ प्लॉट दैट इज अनएक्सपेक्टेड एंड द प्लॉट इज वेरी क्लेवर एंड स्ट्रॉन्ग और कभी कभी इट इज़ अ कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ डोमिनेटेड काइंड ऑफ अ स्टोरी तो जैसा अंदाधुन में मेरा मुझे याद है मेरा जब कैमरा मैन मोहनन ने जब पहली बार कहानी सुनी तो बोले इतने ट्विस्ट हमने ये भी सोचा था कि वील कॉल द मूवी ट्विस्ट करें जब हम नाम ढूंढ रहे थे ना लाइक अ गेम ऑफ एनीथिंग एनी मोमेंट तो लेकिन लोगों ने फिल्म वेरी डिफरेंट फ्रॉम अंदाजुन दैट वॉज माई मेन अंधाधु जैसा ना हो नो क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे एक मोलिका और डार्डिंग वो कहानी भी मेरे पास थी तो मैं लेकिन वो कहानी भी ऐसे ही मतलब उसमें ट्विस्ट एंड टर्स एंडर्स एंड देर तो मुझे लगा कि अगर मैं वो करूंगा तो इट वी लाइक तो आई जो बनाया फन hmm. मेरा फिल्म hmm. शायद थोड़ा सीरियस होता है मुझे याद अब मालूम नहीं किया होता okay. लेकिन उसनेदर लेकिन आई चोज दिस पर्टिकुलर स्टोरी बिकॉज मुझे लगा कि एक मतलब एक तो एक, एक रात की कहानी है और मेरी क्रिसमस मेरी फिल्म yeah. अभी और एक रात की कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है ऐसा मतलब दस साल का था या बारह साल का था जब मैंने इतफ़ाक़ देखी थी यश चोपड़ा की और राजेश खन्ना तो वो शुरू कैसे होता है कि एक पागल मतलब ऐसा से भाग रहा है अच्छा। पुलिस उसे ढूंढ रही है और रेडियो में न्यूज़ आ रहा है कि ऐसा एक पागल है इस एरिया में हाँ। लाश दिखाया गया और ख़तरनाक है तो अब एक रहान लेडी उस द नंदा सब दरवाजा बंद कर दरवाजा बंद कर रही है सब रेडियो में चल रहा है एंड दरवाजा बोल के वो अपना नाइटी पहनने वाली है दरवाजा उर्मिला जी की आंखें देख कर सब लोग वैसे डर जाते कौन है सर यू नो बहुत सारे लोग आगे वाले फिल्मे की बात करते हैं पीछे वाले फिल्म ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बता दू मेरी क्रिसमस इज

इस फिल्म में नहीं एक्चुअली था, था, yes. क्या होता है ना जब फिल्म बनने के बाद मुझे एक अंदाजा होता है कि फिल्म ठीक बनी है अच्छी बनी है लोगों को मैं काफी लोगों को दिखाता हूँ पहले मतलब एडिट रूम में दिखाता हूँ एक सेंस आ जाता है कि इसमें ये वर्क कर रहा है ये इतना तो उसके बाद जब फिल्म एक्चुअली बाहर निकलती है ना तब इतना मैं सोचता तो हूँ और अच्छे अच्छी लग, अच्छा लगता है जब फिल्म अच्छा ओपनिंग करेगा लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मतलब दीज फिल्म आर नॉट लाइक स्टार ड्रिविन व्हीकल्स वो टाइप का फिल्म नहीं जो मेन आम आदमी जाके चलो देख फ्राइडे को देखना है तो देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्ड ऑफ माउथ ये सब होता है किसी ने देखा किसी ने अच्छा लगा बोला तो दैट वे अंदाज में वो हुआ कि पहली बार आई थिंक इन माई फिल्म फिल्म दिस थिंक कि

वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग करियर या फिर अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेमा भी बनाए जैसे आपकी होती है और आपके नाम पर ही सिनेमा बिक जाती है उतना काफी हो जाता है फॉर फ्यूचर डायरेक्टर्स और वॉचिंग मेरे लिए उतना काफी हो जाता है कि मतलब मनी इज नॉट द मेन क्राइटेरिया एट ऑल क्योंकि uh, मेरी पहली फिल्म जब मैं बनाया था तो मैं

उसके बाद थिएटर में जाके देखा कभी-कभी सैटरडे संडे को थोड़ा फुल भी हुआ था एक दो नाइट शो तो मैंने एक दो ब्लैक में टिकट मैंने ही लिए सही जस्ट तो जॉनी गदर नहीं नहीं अब एक हंसी ना एक हंसी जॉनी गदर जॉनी गदर मैं भी वो करता था हाँ। मैं तो अभी रिसेंटली अभी बदलापुर के टाइम में मद्दापुर उसके बाद अंधाधुन तो मैं गेटी गैलेक्सी में जाता था जी तो उधर के उधर लाइन से मालूम पड़ता है आजकल बहुत सारा ऑन लाइन होता भी है।, है लेकिन वो लाइन का जो मजा है ना जो लाइन बहार खड़े हैं और आ, मैं मैं भी बहुत बहुत मुझे याद है कि लाइन में खड़ रहा हूँ कितना कितना कौन सा रो मिला आपको अच्छा एस मिल गया अभी तो दो ही रो बचा है अच्छा। इतने लोग आगे सामने है ये सब होता है तो वो एक टेंशन अभी अभी वो टेंशन नहीं जो सिनेमा टिकट मिलेगा या नहीं वो सब टेंशन नहीं है

और लिरिक्स हम लोग को अभी तक मज़ा नहीं आ रहा था तो आई ट्राइड ए बी बी सी अलग अलग लिरिक राइटर से ट्राई किया लेकिन समाओ मेरे को मुझे मज़ा नहीं आ रहा था जी. और गाने शूट करने का टाइम आ गया तो so, मेरे फितम को अभी गाना तो नहीं हमारे पास इन लिपसिंग तो नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी अ बैकग्राउंड टाइप ऑफ सॉन्ग विद द एक्शन गोइंग ऑन तो मैं बोला सिर्फ मुझे एक पियानो का एक वही एक वही जो सीक्वेंस है उसका पियानो वर्जन दे दो जी. तो पियानो के लिए सम्भाओ आई डोंट नो इट्स लाइक फास्ट फॉरवर्ड टू द फ्यूचर अंधी लड़की पे बजा रही है <laughs> तो आई डोंट नो वो <laughs> तब, तब सोचा कि अंधी होगी तो अच्छा है नहीं तो वो भी भागेगी जब लड़ाई चल रही है तो वो भी भाग जाएगी नहीं तो अंधी होगी तो शायद बहरी तो नहीं है तो वो गाना शूट होने के बाद देन वी वा स्टिल ट्राइंग टू गेट द लिरिक्स फिर फाइनली अमिताभ भट्टाचार्य ने एक जो लिखा है वो अमिताभ का है और बहुत ही खूबसूरत लिखा था मैं बोला ये बराबर फिर डब हो गया गाना बन गया उसके बाद हमने पेश किया तो एक अजीब मज़ा आ रहा था उसमें बहुत ज़्यादा और हमारा ये था कि क्योंकि उस फिल्म में क्या था कि आ, एक मेरे पास एक बहुत खूबसूरत गाना है लेकिन कोई सिचुएशन नहीं है और मेरे पास एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होगा मतलब वन वन टू तो मैं बोला फिर से एक एक्शन पब्लिक भी बोर हो जाएगी कितना एक्शन इतना एक्शन मतलब इज नॉट दैट टाइप ऑफ इट वाज नॉट एंजॉयिंग इट

उसके बाद अभी और क्या होता है ऐसे गाने में मतलब क्योंकि एक्शन है और गन शॉट्स वगैरह है तो एक टेक के बाद सेटअप चेंज करने के लिए दो घंटा लगता है तो वाँ। वाँ। तो हमने सेवन थर्टी को शुरू किया और सब सबका मतलब हार्ट इन द माउथ टाइप ऑफ थिंग है ना कहीं बीच में साढ़े तीन मिनट का गाना है वो एक सिंगल शॉट में तो कहीं बीच में कुछ भी हो गया तो हमको फिर से करना पड़ेगा और टाइम जाएगा और ये होगा तो ऐसा देख रहे हैं तो चल रहा है सब वी ऑल माई माई फर्स्ट एड इज़ गिविंग इंस्ट्रक्शन अभी ये प्लास्ट होगा ये होगा अभी ये लड़की यहाँ से भाग गिरेगी

मैं भी बीस सालों से सिनेमा देख रहा हूँ आप जब वापस देखते हो आर लाइक यू नो डायरेक्टर्स ऐसी कौन सी फिल्म थी ऑफ आपको लगता था कि मैं इसको बहुत ही अलग बना सकता था, योर ओन नो ऐसा नहीं कभी कभी देखता हूँ uh, क्योंकि मेरी माँ कभी कभी बोलती है अच्छा वो लगा दो फिल्म टू you वॉच know? oh, हाँ, तो कभी कभी देखता हूँ तो आई डोंट आई मीन आई इट्स से सिर्फ एजेंट में क्या हुआ मुझे आई फील इफ आई गोट टू ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन मोर यू नो जब मैं क्या होता है एक फिल्म एडिट होने के एडिट होने के बाद मैं रोज मतलब एक बार सुबह फ्रेश एकदम चाय के साथ एक बार देखता हूँ नो you know, अच्छा। तो एक बारीव इट वन आर टू आइडियाज कम इस फिल्म में क्या हुआ कि मतलब हमारा हम लोग हमारा रिलीज वार्च ट्वेंटी थर्ड हम लोग फेब लास्ट वीक तक शूटिंग कर रहे हैं और वो भी दिल्ली में क्योंकि हमारा कुछ एरियल सीक्वेंसेस था और दिल्ली में फॉग वो भी जनवरी फेबर में तो मतलब इट इम्पॉसिबल जस्ट बी वेस्टिंग टाइम तो यहाँ तो मतलब हमारा बैकग्राउंड भी होना था ये होना था तो बाय द टाइम द फिल्म गॉट डिलीवर फाइव सिक्स डेज बिफोर द मूवी नो तो पहली बार मैंने पूरी फिल्म एक साथ देखी तभी तक आई दिन पोर्शन तो जब पूरी फिल्म देखी मैंने मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा एग्जॉस्टिंग है मतलब एक क्लियर फ्लो नहीं है शायद लेकिन सीक्वेंसेस आर इंडिविजुअली होल्डिंग बट मतलब वो सब Correct, हाँ, मिक्स करके वो, वो एकदम एक वन यूनिफाइड चीज नहीं आ रहा था जिसके लिए फॉर 15 डेज एंड जस्ट द फिल्म ना मैं कुछ किया होता you know? yeah. तो, है मुझे में क्या लगा बड़े स्टार्स हैं और ah, गाने अच्छे हैं शायद निकल जाएगी निकल जाएगी बहुत खतरनाक खतरनाक है निकल तो एनी anyway, वे तो फिल्म रिलीज होने के बाद चली नहीं उसके बाद मैं नेक्स्ट फिल्म कर रहा था तब भी मैं दूसरे एडिटिंग में इस कुछ बैठते हैं इस पर हाँ। बैठते हैं फिर से तो री एडिटेड अच्छा। तो मूवी so <laughs> <laughs> अच्छा। तो उसको मैं थोड़ा कुछ करके करके ट्राई कर रहा था कि क्या कर सकता हूँ तो आई स्टूड की टलीप ऑन प्रिपेरिंग सेल्फ बट श्रीराम सर का यह भी होता है कि समय भी लग जाता है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट बीट यू नो हिटोट फाइव और सिक्स फोर फाइव ईयर्स मेरी क्रिसमस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू गेट टूगेदर एक तो बीच में हमारा एक बहुत अनवॉन्टेड साथी आ गया था जो है करोना तो उसके साथ में कैसे किया एंड द वेरी अनयूजल कास्टिंग ऑफ कटीना कैफ एंड विजय सेतुपति डबल लैंग्वेज में भी शूट की है जहाँ इन्होंने सब जगह बोला है कि मैं दोबारा ये कभी नहीं करूंगा मेरी क्रिसमस सीम लाइक अ वेरी डिफिकल्ट जॉब इन हैंड साइड वेन यू लुक बैक कि कितना कुछ हो गया जो डीरेल कर सकता था आपके इस प्रोजेक्ट को तो वैन यू थिंक ना अब मैंने रिलीज कर दी है तो बहुत ही कमाल की सिक्वेंसिंग आ गई है आई यू रिलीव्ड मोर देन Yeah, uh, फिल्म जैसा आपने कहा था कि बीच uh, में पैंडमिक आ गया था हमने एक बार शुरू भी किया शुरू मतलब हमने सेट पेट बांधना शुरू किया महबूब स्टूडियो में बाद में लगा कि तीन महीने अभी शूट नहीं कर सकते हैं बिकॉज कटरीना का डेट्स नहीं था जब कटरीना का कर डेट फ्री हो गई तो विजय का डेट्स नहीं था एंड वो जो घर का जो सीक्वेंस है फिर तो भी आपकी कहानी है तो

ये बोले मतलब कभी-कभी एक कभी -कभी एक डायलॉग मुझे याद है जॉली नायडू पानी पूरी तो <laughs> बोल रही है इसका मतलब क्या हुआ लेकिन जॉली नायडू पानी पूरी इतना पर -पर मैच होना चाहिए डबिंग के टाइम इट इट वेरी आई डू अगेन कि

लेकिन मुझे हमेशा लग रहा था कि ये मैंने देखा है या कुछ नया चीज़ नहीं आएगी इसमें से एंड सम हाउ आई वाज नॉट गेटिंग एक्साइटमेंट जी मतलब मेरा अंदर का एक एक सीकिंग एडवेंचर वो जो एक फिल्म में होता है ना वो आ, नहीं हो रहा था ना तो देन आई सेट कटरीना बोला सबसे कॉन्ट्रास्ट कौन होगा काइंड ऑफ अ थिंग एंड देन आई लकीली मेट विजय इज अ वेरी गुड एक्टर रिमाइंडेड मी ऑफ संजीव कुमार एक्चुअली तो मैं हिंदी आती है तो आती है तो देन आई सेड ओके देन जब मैंने टीम से कहा ऐसे ही मैंने

और साइलेंट वाला सीन था उस समय शी वाज नॉट सच अ बिग स्टार एट दैट टाइम आई रियली रिमेंबर्ड दैट आई रिमेंबर्ड न्यूयॉर्क जहां पे काफी उनका परफॉर्मेंस था उसके बाद मुझे एज अ स्टार और एज अ यू नो एक्शन फिगर फैंटास्टिक इस फिल्म में जितनी परफॉर्मेंस कटरीना को करनी पड़ी एंड यू नो हर क्राइंग बिट्स एंड ऑल फैबुलस

लास्ट जो सीक्वेंस बोल रहे मैं भी ज्यादा बात नहीं करना चाहता उसके बारे में लेकिन देर वॉज ऑलवेज द रिस्क ऑफ शुड वी डू इट लाइक दिस और नॉट एंड क्योंकि वो सीन हमारे पास पूरा विद डायलॉग था अच्छा डायलॉग था फिर एक दिन ये आइडिया है कि सपोज इसको आउट कर देते हैं ज्यादा बोलूंगा नहीं यस 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 तो देन मैंने सबको बोला एवरीबॉडी वाज लिटिल विल दिस वर्क विल दिस वर्क मतलब ट्राई तो करते हैं नो काइंड ऑफ अ थिंग देन ट्राई करके एडिट करते टाइम उसके बाद जो म्यूजिक पीस आता है वहां पे ऑल दैट सॉर्ट ऑफ केम टुगेदर किसी एक सवाल आया क्या श्री राम सर ऑलवेज सेवेंटी थर्टी छोड़ जाते हैं क्योंकि एक सीक्वेंस है जो एंड में होता है जहां विजय आके बैठ जाते हैं और उस बैठने के बाद क्या हुआ ये आपके अंदाधु में भी हुआ उसके आगे क्या हुआ आप क्या ये जानबूझ के करते हैं क्योंकि उसके आगे अगर हम बोलेंगे तो या तो मतलब अभी अभी क्या है? चार ऑप्शन हो सकते हैं राइट तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है लेकिन

बट वो बिल्कुल भी शो नहीं करते जैसे कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेरे साथ में एक एक लड़की बैठी थी और एक राइटर बैठे थे जस्ट टू एक्ट एंड ब्यूटीफुल और ये बहुत कम और जिस तरह डबिंग में भी जरूरी नहीं है कि वो क्लियर बात में वो बोल रहे हैं एक दो जगह में ऐसे लगा था आई एम नॉट श्योर वोट इज बट नॉर्मल तरीके में आप आज यहाँ पे आना चाहेंगे ऐसा थोड़ी ना कोई बात करता है दिस वाज वंडरफुल ऑफ हिम सी लाइक डिड यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम और डिड यू एक्सपेक्ट लिटिल बिट मोर सी आई आई वाज वेरी क्यूरियस हाउ इज ही गोइंग डू इट बिकॉज़ उनके जो अभी पिछले तीन चार अब हम जवान देखे फौजी देखे उसमें मतलब दे आर लिटिल बिट लाउड परफॉर्मेंसेस नो सो यहां आई डोंट नीड दैट एंड बट वी हम लोग दोनों बहुत बात करते थे इस कैरेक्टर के बारे में एंड तो एक पॉइंट पे मैंने उसको बोला अभी मैं अल्बर्ट जो करेगा वही मैं देखना चाहता हूँ नो मैं कुछ भूलने वाला हूँ क्योंकि मेरे अंदर का अगर मैं अल्बर्ट होता तो एज अ राइटर मैं कुछ और करता था राइट तो मैं कभी एक सीन में था मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ विदाउट गिविंग एनीथिंग कि उसको एक जगह से भागना पड़ रहा है तो आई थॉट कि मेरे मन में था कि वो मतलब तेज़ी से भागेगा लेकिन वो ऐसा भाग गया और खड़ा हो गया और देख रहा है ऐसा तो एक पॉज जो दियाट नो <laughs> तो वो सोच रहा है कि विल yeah. जाऊँ वापस अंदर ऐसा yeah. सब सोच रहा है तो ही इज एन एक्टर ना वो उस, उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि एक जैसा सुबह हम लोग जाते हैं शूट पे कभी कभी मालूम पड़ता करते आज टफ सीन है आज संभालना पड़ेगा yeah. आज टेंशन है yeah. बहुत वाइटल सीन है वगैरह तो आई एम प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग आई लास्ट माई एडिटर को राइटर सबको ठीक चल रहा है ना ये डायलॉग ठीक है समथिंग मैं डी ओ पी को बोलूंगा ये सब की क्या लग रहा है सीन है ऑल दैट

एक छोटा सा रोल है बेशक सिर्फ दो ही सीन दिए बट इट वॉज सो इन एंड इट स्टेड इन माई माइंड देना चाहूंगा उन्होंने या नहीं है नहीं, मेरे ये जो एक्टर आप बोल रहे हैं ना संजय संजय के माध्यम से बोलता हूँ अश्विनी तो मेरे साथ बहुत तीन चार फिल्मों में काम किया है और मैं जब सी आई डी करता था वहां पर भी दो तीन मतलब बहुत एपिसोड में शी वॉज वन ऑफ द कैरेक्टर्स तो संजय को मैंने बुलाया था नरेशन के लिए तो मैं सोच रहा था उसको पूरा कहानी बोलूँ या सिर्फ उसका पार्ट पोर्शन बोलूँ हाँ। क्योंकि पूरा कहानी सुन के ही इज नॉट ही इज कमिंग एट अ सर्टेन क्रूशियल पॉइंट एंड ही आई मीन द ही शुड नॉट नो द एंटायर स्टोरी सो मैंने उसको बोला कि अभी तुम मैं नरेट करूंगा तुम सुन लो ये क्या है इतना इतना अबाउट ऑलमोस्ट पंद्रह मिनट में मैंने नरेट कर लिया उसको बोला कि

इन द सेंस ना ज्यादा कुछ होता नहीं है अ पॉइंट टिलस टिल तो हमने ट्राई भी किया था कम करने के लिए लेकिन एट द सेम टाइम ना कम करी तो वो मतलब क्या होता है कि वो समथिंग उसका मैं सेमिली क्या दूं उसको या तो पूरा पूरा ah, मतलब right. कोई आ जाके पूछने नहीं था कि आधा वड़ा पाओ दो नो? <laughs> जा जा पूरा वड़ा पाव खाना पड़ेगा yeah. या तो ब्रेड को निकाल दो या कुछ ऐसा करना पड़ेगा तो देन आई सेड कि लेट अस अभी ये इज अ टेस्ट ऑफ द ऑडियंस फॉर द ऑडियंस फॉर मी आल्सो टू रियलाइज हाउ द ऑडियंस विल रिएक्ट क्योंकि आजकल सब लोग बोलते हैं ना अभी दो तीन मिनट के बाद अटेंशन वेवर अटेंशन yes, yes, वेवर yes, yes. इतना जो इतना होता है क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि जब ओ में फिल्म देखते हैं तो हम लोग क्या देखूँ आज रात को नाइन थर्टी स्टार्ट आज क्या देखूँ साढ़े टेन थर्टी तक जस्ट जैसे ये थोड़ा देखता ये वो देखता हूँ वो, वो भी अच्छा हो सकता yes, है नो टेन थर्टी का टायर्ड होता है आज चलो आज कुछ गाने लगा लगाते तो ऐसा हो जाता है यस लेकिन इफ़ यू एंटर द सिनेमा हॉल किसी ने अगर डेढ़ सौ दो सौ रुपया दिया है तो देखे उन, पसंद थे, उनमें से आधे लोग भी देखें तो आई थॉट अंदर आने के बाद तुम और, को देते वो director, will, चलो ये सब दिखा रहा है लेकिन अब कुछ होने वाला है अब कुछ yeah, होने yeah, वाला है सो yeah. so, वो है फिर भी थोड़ा लेंगे तो बिकॉज बट द्यूटिफुलट दिलेक्शन इज जस्ट इनक्रेडिबल इट वॉज लाइक अ मास्टर क्लास सर एज यूजल हाउ टू यूटिलाइज सॉन्ग्स और मेरे ख्याल से लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए बहुत सारे जो फिल्म होते हैं श्री राम सर फिल्म आर अलॉट फॉर डिरेक्टरपेक्टिव ऑल्सो की जो हमने आज डिस्कशन किए हैं ये मेरे लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्कशन आती है बिकॉज मैं हर किसी के साथ ऐसे डिस्कशन कर नहीं सकता और ये बहुत बड़ी बात है कल रात को हमने प्रेमियर में फिल्म देखी है और जो आज मैंने आपको बोला फर्स्ट हाफ का भी लाइक फॉर वन सेकंड आई वॉच इट कम्प्लीटली विदेंक माइंड एंड आई जस्ट इन्जॉय इट ब्यूटिफुल्क यू सो मच फॉर दिस